के मोमोज बनना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले इनको नॉर्मली मोमोज को एक लिक्विड वाले आइटम में डुबोया गया, डिप करने के बाद इनको कॉर्नफ्लेक्स में पूरी तरीके से नहला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ लखनऊ में, लखनऊ के जो 10 नंबर जगह है वहीं पर एक गली है जिसका नाम है चटोरी गली। और इस चटोरी गली में आपको बहुत सारी चीज़ें चाटने के लिए मिलेंगी। अगर आप बहुत ही तगड़े वाले फूडी हो तो बिना कुछ सोचे समझे इस गली में आ जाओ, आपको काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे देखने के लिए मिली है एक मोमोज़ की दुकान, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेहतरीन मोमोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। फ़िलहाल इनके जो रेसिपी है, जो मेन्यू है, उनके तरफ मैं थोड़ी सी आपको कैमरा करके दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा बेहतरीन मोमोज आपको देखने को मिल जाएंगे। भैया से हम भी मोमोज बनवाएंगे और आप लोगों को जरूर टेस्ट करवाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो हम यहाँ पे भैया से बनवा रहे हैं कुरकुरे मोमोज, यानी कि वेज कुरकुरे मोमोज, जिनमें थोड़ा क्रंचीपन होता है, थोड़ा कुरकुरे जैसा पन होता है, इसीलिए इनका नाम है कुरकुरे मोमोज। और ये क्या चीज़ है भैया जी? अच्छा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। फिलहाल ये लिक्विड सा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन अभी बनने के बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रंची लगेगा, जो कि आप खुद देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भैया जी का थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। ये भैया जी की दुकान है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। चीज़ों के साथ साथ आपको कढ़ाई, जो कि मैं अभी ऑयल गर्म किया जा रहा है, और ये आपके जो मोमोज़ हैं उनको डिप कर दिया गया है इस लिक्विड वाले आइटम में, जिसके बाद इनको सेका जाएगा और आपके सामने सर्व किया जाएगा। फिलहाल इसमें जो चिप्स वगैरह हैं उनको, ये भैया क्या चीज़ें? कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स हैं जिनके ऊपर इनको अब इस तरीके से नहला दिया जाएगा बेसिकली, और नहलाने के बाद इनको इस तरीके से डिप किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि आपके मोमोज बनना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले इनको नॉर्मली मोमोज को एक लिक्विड वाले आइटम में डुबोया गया, डिप करने के बाद इनको कॉर्नफ्लेक्स में पूरी तरीके से नहला दिया गया। नहलाने के बाद ये आपके कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई में कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं ये लोग नहाते हुए, और देखते कितना टाइम लगता है इसको बनने में। भैया जी, नॉर्मली बनने में कितना टाइम लग जाता है? 2-3 मिनट लगेगा। अच्छा, 2 या 3 मिनट के अंदर आपके बेहतरीन स्वादिष्ट मोमोज, कुरकुरे मोमोज बन के तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को भी बताएंगे कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। और एट दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 पीस बन के तैयार हो गए। भैया एक प्लेट में कितने पीस देते हो? 6 पीस। हाफ में 6 पीस और फुल में 12 पीस। अच्छा, हाफ में आपको 6 पीस मिलेंगे, फुल में आपको 12 पीस मिलेंगे। नॉर्मली भैया हाफ जो प्लेट होती है उसकी कीमत क्या रहती है? 80 रुपये। और फुल प्लेट की? 160। यानी कि फुल प्लेट आपको मिलेगी 160 रुपये की, और हाफ प्लेट मिल जाएगी आपको 80 रुपये की। यानी 80 रुपये में आपको 6 मोमोज मिलेंगे, वो भी कुरकुरे वाले, तो बहुत ही मतलब फ़ायदे का सौदा है। तो आइए देखते हैं एक बार, इनका टेस्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके बनने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, और उसको हम आपको दिखा देते हैं। ऑलराइट, लेकिन तब तक मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ भैया का। कुछ ये दुकान है, दुकान के ऊपर आपको कुछ मोमोज लटकते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये मोमोज डिप्रेशन में शायद इसीलिए लटके, और दुकान में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सफाई का भी ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि गंदगी फैला रखी गई हो, आपको सफाई भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आजकल हाइजीनिक और अनहाइजीनिक का एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, जिसके बाद से अब आपको ज़्यादातर चीज़ें एकदम हाइजीनिक ही देखने के लिए मिलेंगी। नॉर्मली भैया कितने प्रकार के मोमोज बनाते हो आप इस दुकान पे? सारे प्रकार के आपको मिल जाएंगे। अच्छा। अफगानी है, तंदूरी है, फ्राइड है। फिर भी मोटा मोटा नंबरों के हिसाब से कितने? 10-20 प्रकार के। अच्छा, कम से कम 10 प्रकार के मोमोज आपको भैया जी की दुकान पे खाने के लिए मिल जाएंगे। एक बार भैया यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, प्रॉपर एड्रेस, जिसकी वजह से लोग आपकी दुकान तक पहुँच सकें। लखनऊ 1090 चटोरी गली। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ का जो एड्रेस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लखनऊ का जो 1090 एरिया है, वहाँ पर आपको चटोरी गली देखने के लिए मिल जाएगी। चटोरी गली में भैया जी की स्टॉल है। स्टॉल का पूरा डिप जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। और जब भी लखनऊ आते हो तो एक बार चटोरी गली में ज़रूर आना, और भैया जी के जो मोमोज हैं उनको ज़रूर एक बार चाट के देखना, और हमें बताना कि कितने ज़्यादा आपको लजीज लगे हैं। और ये अब आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके मोमोज हैं उनके ऊपर इस तरीके से मसाला डाला जा रहा है। मसाला डालने के बाद कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये आपका चाट मसाला है दोस्तों। चाट मसाला चटोरी गली में चाट चाट के खाने का जो अलग ही मज़ा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक बार अगर आपने भैया जी के ये मोमोज खा लिए तो आप अपनी उंगलियाँ जरूर चाटते रह जाओगे। तो यही इस मोमोज का एक बेहतरीन तरीका। और ये आपकी मेयोनीज वाली चटनी आ गई है ना भैया जी? ये आपकी मेयोनीज वाली चटनी है, और ये आपकी ये स्पाइसी चटनी है। ऑलराइट, तो ये बन के रेडी हो चुका है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो प्लेट है वो बन के रेडी हो गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मेरे अभी एक ही हाथ घिरा हुआ है, इसी में भैया एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा, अगर कर सकते हैं तो। और दोस्तों मेरा एक हाथ भरा है इसलिए मैं इसमें एडजस्ट करवा लेता हूँ, ये लुढ़क रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी ये जो एक प्लेट है, हाफ प्लेट है ये, फुल प्लेट नहीं है, ये आपकी बनके तैयार हो गई, जिसके अंदर आपको 6 मोमोज कुरकुरे मोमोज देखने के लिए मिल जाएंगे आपकी। ऑल राइट दोस्तों, तो फिलहाल हम अपने एक साथी से इसको टेस्ट करवाते हैं और आपको बताते हैं कितने ज़्यादा लाजवाब हैं। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं लेकिन खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी हैं वो हम आपको बताते हैं। ओ भाई बहुत जो ज़्यादा ही कुरकुरा है, बहुत ताकत लग रही है इसे तोड़ने में, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको खा के टेस्ट करूँगा। अभी अभी आपने देखा वीडियो में जो मैंने इसको तोड़ा वो कितना ज़्यादा वो था, मैंने बहुत मतलब वो लगा ज़्यादा क्रंची हो गया। जो बाहर का मटेरियल इसमें यूज हुआ है उससे ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो गया। मैंने सिंपल मोमोज खाए हैं पहले भी, ऐसा मोमोज नहीं खाया, पहली बार ट्राई किया, बट टेस्ट लाजवाब है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, ज़बरदस्त है। आप कभी भी लखनऊ आएँ, लखनऊ की 1090 की चटोरी गली में ज़रूर ये ट्राई कीजिए, कुरकुरे मोमोज हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना बिल्कुल मत जाना मेरे दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।